हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बायोलॉजी या फिर पैरासाइटोलॉजी किसी का बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मलेरियल पैरासाइट, उसकी लाइफ साइकिल समझाऊंगी। कुछ बच्चों को ये टफ लगती है तो इसको मैं डायग्रामेटिक तरीके से आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो सबसे पहले मलेरियल पैरासाइट मतलब ये मलेरिया काउज करता होगा। तो मलेरिया जो है वो जो कॉज करता है वो प्लाज्मोडियम होता है, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की फोर स्पीसीज हैं जो मलेरिया को कॉज करती हैं, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है। और इसका जो अब मैं लाइफ साइकिल समझाऊंगी सीधा, क्योंकि और चीज़ें टफ नहीं है, जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा टफ है। रोक दे। तो मैं अब सीधा आपको लाइफ साइकिल समझाऊंगी। लाइफ साइकिल जो है इसकी मलेरिया पैरासाइट की, वो दो स्टेजेस में है, एसेक्सुअल स्टेज एंड सेक्सुअल स्टेज। तो जो एसेक्सुअल स्टेज है वो ह्यूमंस में होती है, और जो सेक्सुअल स्टेज है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में होती है। ठीक है, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में होती है, पर जो मेल है वो फ्रूट जूस पे फीड करता है, और फीमेल जो है वो इसके थ्रू। तो जो एसेक्सुअल स्टेज है वो इसमें जो भी डिवीजन होगी उसको साइजोगोनी बोलेंगे, और जो सेक्सुअल स्टेज में डिवीजन होगी उसको बोलेंगे स्पोरोगोनी। तो फिर हम डायग्रामेटिक तरीके से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। लाइफ साइकिल ऑफ अ मलेरियल पैरासाइट, ये मैंने एक मतलब अपने तरीके से एक डायग्रामेटिक तरीके से इसको तैयार किया है। अगर आपको ये पिक चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें स्पोरोजॉइट होंगे, बस इतना याद रखना है पहले। जैसे फीमेल मॉस्क्यूटो, जो मॉस्क्यूटो है वो आई, हमें बाइट किया, उसने ह्यूमन को बाइट किया। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गई। इस ये जो लाइफ साइकिल है इसकी, वो दो होस्ट टू होस्ट में होती है, एक मैन में होती है, एक मॉस्क्यूटो में होती है। जो मैन में होती है वो चार स्टेजेस और कंसिस्ट करता है, प्राइमरी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, गेमेटोगोनी, सेकेंडरी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और मॉस्क्यूटो में कोई स्टेज नहीं है। जो मैन है वो इंटरमीडिएट होस्ट है, और जो मॉस्क्यूटो है वो डेफिनेटिव होस्ट है। डेफिनेटिव होस्ट मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगी, रिप्रोडक्शन होगी, वो मॉस्क्यूटो में होगी। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या होगा कि जो मॉस्क्यूटो है वो हमें बाइट करेगा, ह्यूमन बींग को बाइट करेगा। तो क्या होगा, इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें स्पोरोजॉइट है। सो जब उसने बाइट किया तो वो पहले स्किन को रप्चर करेगा, मतलब उसको स्किन को रप्चर करेगा, उसके बाद वो कैपलरी से होते हुए ब्लड में चला जाएगा, मतलब स्पोरोजॉइट गया ब्लड में, स्पोरोजॉइट इन ब्लड। विद इन वन आवर, एक घंटे के अंदर क्या होगा, जो स्पोरोजॉइट है वो लीवर सेल में चला जाएगा। जब ये ब्लड में होगा तो ये स्पिंडल शेप्ड का होगा, स्पिंडल शेप का होगा। पर जब ये लीवर सेल में जाएगा तो देन इट चेंजेस इट्स शेप, ये अपनी शेप जो उसको चेंज कर लेगा, ये ओवल या राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम ट्रोफोजॉइट बोलते हैं। ग्रोथ करेगा, ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि मल्टीपल डिवीजन, बाइनरी फ्यूजन से ये मल्टीपल डिवीजन करेगा अंदर, जो न्यूक्लियस है इसका वो डिवीजन करेगा। जब डिवीजन करेगा तो बहुत ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। जो इसकी डिवीजन है उसको साइजोगोनी बोलते हैं। मैंने पहले बताया था कि जो एसेक्सुअल स्टेज में जो डिवीजन होती है उसको साइजोगोनी बोलते हैं। फिर जब डिवीजन होगी, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई बन गए, तो ये इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज होता जाएगा, और ये रप्चर कर जाएगा। इस स्टेज जो ये जब इतने ज़्यादा न्यूक्लियाई कंटेन करता है, इस स्टेज को बोलते हैं प्री एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोंट। अब ये रप्चर करेगा तो जो भी इसके अंदर है, क्या है, स्पोरोजॉइट, जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। और ये जब बाहर आते हैं तो इनको मीरोजॉइट्स बोलते हैं। स्पोरोजॉइट रिलीज हुए लीवर सेल से, बाहर आए तो इनको मीरोजॉइट्स बोलेंगे। अब जो मीरोजॉइट हैं वो ब्लड ब्लड में जाएंगे, तो ब्लड से वो आरबीसीज में चले जाएंगे, आरबीसीज में एंटर करके मीरोजॉइट। तो इस स्टेज को हम यंग ट्रोफोजॉइट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आरबीसी है उसके अंदर क्या है, मीरोजॉइट है।
अब इसमें एक वैक्यूल होगा, साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी है वो होगा, और इस स्टेज को हम रिंग स्टेज भी बोलते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं इसको, रिंग फॉर्म होती है ये, दैट इज रिंग फॉर्म, एंड इसको हम रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो जो मीरोजॉइट इसके अंदर आया, उसको अपनी मतलब उसको डाइजेशन के लिए वो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के अंदर उसको खाता है, वो मतलब अपनी डाइजेशन के लिए हीमोग्लोबिन को खाएगा। तो जब वो हीमोग्लोबिन को खाएगा जो इसके अंदर होगा, तो वो मलेरियल पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मलेरिया पिगमेंट में कन्वर्ट होगा। जैसे ये मैंने शो किया है, जो मलेरिया पिगमेंट है वो येलोइश ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर की होती है। उसके बाद क्या होगा कि ये फिर से डिवीज़न करेगा, जो मीरोजॉइट है वो फिर से डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा बाइनरी फ्यूजन से। बहुत मल्टीपल डिवीज़न होगी इसकी, और ये फिर बहुत ज़्यादा मीरोजॉइट्स बना देगा अंदर, इसको साइज आउट स्टेज बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये इसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इनलार्ज होगा, और ये रप्चर करके जो भी इसके अंदर है मीरोजॉइट्स वो निकल जाएंगे, और वो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बना देंगे। जो फीमेल गैमेट है उसको मैक्रो गैमेटोसाइट भी बोलते हैं, और जो मेल गैमेट उसको माइक्रो गैमेटोसाइट बोलते हैं। जो फीमेल गैमेट है वो उसका जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल होगा, और खुद उसका साइज जो है वो लार्जर होगा, और जो मेल गैमेट है उसका साइज कम होगा, स्मॉल होगा, और उसका न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो मेल गैमेट है वो म्योसिस के थ्रू म्योसिस करेगा, और ये जो है वो उसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो होगी वो एक्स फ्लैजुलेशन से मेल गैमेट बनाएगा। इसकी ऐसी मतलब फॉर्म होती है, ये एक टिपिकल फॉर्म है, पर फीमेल गैमेट ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो सीधा मतलब बस उसका ये होता है कि जो उसका न्यूक्लियस है वो सरफेस पे चला जाता है, और एक कोन ऑफ रिसेप्शन, ये एक मतलब एक ऐसी अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है जिससे रिप्रोडक्शन जो इजीली हो जाए। तो जो मेल गैमेट आएगा कोन ऑफ रिसेप्शन पे जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर लेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या करता है, लेंथ, जाइगोट लेंथन्स मतलब अपनी लेंथ को बढ़ाएगा, और जाइगोट अपनी लेंथ को बढ़ाएगा, और उकिनेट एक फॉर्म है, उकिनेट उकिनेट इसमें चेंज हो जाएगा। अब जो उकिनेट है ये जो है वो स्टमक जो है उसका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटा का उसके अंदर होगी। उसके बाद ये सिस्ट में चेंज हो जाएगा, सिस्ट जो है वो मल्टीपल डिवीजन करेगा जिसको हम स्पोरोगोनी बोलते हैं, और वो ऊ सिस्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ डॉटर न्यूक्लियाई बन गया है, तो अब ये भी क्या होगा कि इसका साइज बहुत इनलार्ज हो गया होगा, तो ये ब्रस्ट टूटेगा और रप्चर करेगा मतलब, और इससे जो है वो जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो निकल जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, निकल जाएंगे, और वो फिर पूरे बॉडी, जो उसका पूरा बॉडी है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटे की, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एक्सेप्ट इसमें एक मेन पॉइंट है, ओवरी में नहीं होते हैं, ओवरी को छोड़ के पूरे शरीर में उसके में स्पोरोजॉइट घूमेंगे, फिर जो स्पोरोजॉइट्स हैं जैसे जो मॉस्क्यूटो फिर से बाइट करेगा किसी ह्यूमन बींग को, तो जो स्पोरोजॉइट हैं वो उसमें फिर से चले जाते, तो ये साइकिल ऐसे रिपीट होती है। अब कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे जैसे मैंने पहले बताया था कि चार स्टेजेस होती हैं इसकी, तो जो यहाँ से जब मॉस्क्यूटो वाइट करता है, वहाँ से लेके जब मीरोजॉइट रिलीज होते हैं वहाँ तक की जो स्टेज है उसको एक्सोरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं, और मीरोजॉइट जब रिलीज हो गए उसके बाद से लेके जो क्या बोलते हैं इसको रिंग स्टेज तक की जो फॉर्म होती है उसको एरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं, और उसके बाद जब गैमेट वगैरह बनते हैं तो उस स्टेज को गैमेटोगोनी बनते हैं। एक और स्टेज थी सेकेंडरी एक्सोरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इसमें क्या होता है ये कुछ कुछ में होती है, जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल और वाइवैक्स में होती है। इसमें क्या होता है कि ये एक डॉर्मेंट स्टेज होती है, मतलब रेस्टिंग स्टेज होती है, इसमें जब मतलब ये यहीं पे रुक जाता है, इसके आगे इसमें होता ही नहीं है, तो ये ऐसे ही है, और तो मैंने ऐसे समझाई दिया आपको। और ये जो है ये ह्यूमंस में बताई है इतनी, और इस साइड जो है वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो में बताई है। तो इसमें मेन यही था, मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले क्या होगा, मॉस्क्यूटो बाइट करेगा ह्यूमन बींग को, जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो ह्यूमन के अंदर जाएंगे ब्लड्स के थ्रू, और ब्लड्स पहले ब्लड में जब होंगे तो स्पिंडरशिप के होंगे, फिर उसके बाद लीवर सेल दैट इज हिपेटोसाइट्स, जब लीवर सेल में जाएंगे तो ये जो है वो ओवल शेप के हो जाएंगे जिसको ट्रोफोसाइट बोलते हैं। उसके बाद मल्टीपल डिवीजन करेंगे, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद
ये ब्रस्ट करेंगे मतलब रप्चर होगा इसका साइज जब बढ़ेगा तो ये रिलीज हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं मेरोजॉइट्स। मेरोजॉइट्स जो है वो आरबीसी के अंदर आएंगे, आरबीसी के अंदर वो जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर उसको खा लेंगे, उस एक मलेरियल पिगमेंट बना देंगे जो कि येलोश ब्राउन कलर की होगी। उसके बाद फिर से ये डिवीजन करके डिवीजन करेंगे, इनका साइज बढ़ेगा, फिर से ये रप्चर हो जाएंगे और मेल एंड फीमेल गैमेट बना देंगे। ये मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइजेशन करेंगे और जाइगोट बनेगा। उसके बाद जाइगोट जो है वो एक फॉर्म है ओवुलेट, उसमें चेंज हो जाएगी और वो सिस्ट बन जाएगी। सिस्ट जो है फिर से डिवीजन करेगा, जिसको स्पोरोगोनी बोलते हैं, वो ऊ सिस्ट में चेंज हो जाएगी। उसके बाद जो है वो ऊ सिस्ट जो रप्चर करेगा तो उससे उसके अंदर से स्पोरोजॉइट्स रिलीज होंगे जो कि सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे और फिर से वो वाइट करेगा और हमारे अंदर आ जाएगा। तो यही है पूरा इस लाइफ साइकिल में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी मतलब आपको पिक्स वगैरह चाहिए होंगी इसकी तब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।